भगवान को स्वीकार करने वालों की शरणों पे हम लोगों ने विचार किया था कि जो केवल ईश्वर को मानते हैं, आदर करते हैं, सूर्य को नमस्कार किया, प्रणाम किया, वो आस्तिक है। जो परमात्मा के साथ कोई न कोई संबंध बना लेते हैं और उसमें भी हम लोगों ने दर्शन किए थे एक तदीयता और एक मदीयता। मदीयता की बात जाने के बाद अभिन्नता को स्वयं को प्रयास करते नहीं। तो भगवत संबंध में दृढ़ता आवश्यक है। मानी शुभ नाम व्यवहारी, अगर व्यवहारिक है तो भाव है ही होती है। कुछ लोग मैंने देखा था वो सुना था कली चंडी विनायक गणेश जी की और भगवती की सिद्धि बड़ी जल्दी होती है, तो जल्दी काम लेना था तो भगवती को स्वीकार किया, भगवती की पूजा करने लग गए। अब भगवती इम्पोर्टेंट नहीं थी, अपना काम इम्पोर्टेंट था, वो काम निकला नहीं तो भगवती नॉन इम्पोर्टेंट हो गई और उठा करके ऊपर रख दिया। गणेश मोदक मंगल धंधा ऐश्वर्य गणेश जी की पूजा कर। अब एक उत्तम बात नहीं है, इसको व्यभिचारी करते रहते अद्भुत हुआ तो गणेश जी की पूजा करते थे और देवी बैठे थे। तो वो जैसे हम लोग पहले भोजन नैवेद्य लगाने के पहले धूप अर्पित करते, फिर दीप अर्पित करते, फिर नैवेद्य अर्पित करते, आज उन्होंने धूप अगरबत्ती अर्पित की और वो चाहते थे हमारे गणेश जी को सूंघे। तो हवा चल रही जब गणेश जी के पास तो गया हुआ भगवती की तरफ जाने लगे, ऊपर बैठी थे
हवा हल्की होने पड़ जाती है। उन्होंने फेजर विजय का तीन जगह रखा, तो तीनों बार वहीं जाए तो निमाने की नहीं, जरूर सुने देखकर तो कैसे सुनती है। तो माता जी की नाक में उसने रोई, देखो कैसे सुन गई, हम गणेश जी के लिए तो जैसे ही रूई ठूसने लग गया माता जी प्रकट हो गए। अरे माता जी आप तो संतो गणेश जी, अरे तूने मुझे असली तो समझा, पहले मूर्ति समझता था, तुझे लगा कि मैं गणेश जी के हिस्सा की धूप सूख लूंगी तो तेरी मनोकामना नहीं सूझी, इसलिए मैं प्रकट हो गई, तूने मुझे असली तो समझा। तो खैर भक्ति नॉन व्यवहारिक होना चाहिए, गुरु में इष्ट में मंत्र में। अगर नॉन व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक है तो फिर वो भक्ति नहीं है। महाभारत में कथा आती है उपमन्यु की, उपमन्यु भोले बाबा के उपासक थे, भक्ति भाव से पूजा करते। भोले बाबा ने लोगों को प्रेरणा देने के लिए और उनकी भक्ति की दृढ़ता के लिए और एक नाटक किया, अपने वृषभ को बना दिया ऐरावत, अपने त्रिशूल को बना दिया वज्र और स्वयं इंद्र बन के आ गए, और सब वही तो हैं। तो उपमन्यु से कहते हैं परमु वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो उपमन्यु कहता है सुनो महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं है, अरे मैं तुम्हें त्रैलोक्याधिपति तक बना सकता हूं, मांग तो सही। तो उपमन्यु कहते हैं अब कीट पतंगो वा भवेयम शंकराचार्य, न तो शक्रा त्वया दत्तम त्रैलोक्यम अभि कामये। देखो इंद्र आए हो, अब आप पूज्य हो तो आप वंदन करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शंकर जी हमको कीट पतंग भी बना दे तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक मैं बन गया, मेरा भेंट हो जाएगा, लेकिन आप हमको त्रैलोक्य का राज्य भी दोगे, तहे शक्र तेरा दिया हुआ त्रैलोक्याधिपति तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, आप कृपा करके चलिए। इसको हमारे यहां कहते हैं इतर चिकित्सा। तो ये दृढ़ता दे के बोले बाबा प्रसन्न हो गए, और फिर हाथी बैल बन गया और वज्र त्रिशूल बन गया, बोले बाबा तो नहीं है जटाजूटारी। तो ये एक दृढ़ता की भावना होनी चाहिए, हमको कीट पतंग बना दे भोले बाबा चलेगा, हमको स्वीकार है। देखिए अगर और कोई पतिव्रता अपने पति के द्वारा सामान्य धोती पहन के खुश होगी, नहीं कोई कहे बनारसी साड़ी ले लो मैं दे रहा हूं, तो नहीं लेगी, अपनी दृढ़ता में भाग नहीं होता है, अपने पति के सामर्थ्य में एक प्रकार से शंका है। अभी पीट पतंग तो इसलिए जिसकी अपने इष्ट के ऊपर ये दृढ़ भावना है, ऐसे साधकों के लिए कुछ संकेत किए गए हैं, ये स्वाभाविक आते हैं, और अगर ये आने लग जाए तो समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो वो है शांति व्यर्थ काल तुम विरक्तिर मान्य शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीतिश तद वास वासतिस्थले
ये जो कुछ गुण हैं ये सब के सब जो भगवत अनुरागी है, भगवत भक्त है, भगवान के साथ संबंध है, उसके कुछ गुण हैं। इनके जान लेने से जाने बिन होए प्रतीति बिन प्रतीत होए। तो पहले यही बात है, प्रीति तत्व स्थले इत्यादि भाव जाता भावानपुर जने। अगर जन में मनुष्य में जीव में भावानपुर उत्पन्न हो जाए, भगवान का भगवान की प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो सबसे पहले वो क्रोध नहीं करेगा, क्षमा कर देगा। कोई भी अपराध करे उसको अपराध दिखाई नहीं पड़ता। स्थिति आ जाती जो अपराध करता उसमें भी अपना कन्हैया ही दिखाई पड़ते तो कन्हैया में नॉटी हो रहा है और क्या है, ये समझ के उसमें भी आन देना। क्योंकि अगर किसी की किसी क्रिया का किसी अपराध के ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमारी वृत्ति कृष्णा काराकार न होकर के उस अपराधी के आकार की हो जाएगी, जो कभी भी इष्ट नहीं। जो भगवत भक्त है वो व्यर्थ में समय नहीं गवाएगा, जो भी क्रिया कलाप है सब भगवान की सेवा के ही लिए, भगवान भगवत अर्थ समर्थ। ऑफिस वर्क हो, होम वर्क हो, स्टडी हो, घर में झाड़ू लगानी है, भजन करना है, ये सब के सब कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से करते समय भगवान के साथ संबंध की अनुभूति करते। और टाइम किल करने के लिए और वो हाथ में तमाशा लेकर के कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास भगवान के भजन से कुछ समय बचा है, तभी इन सब पुलिस वर्क में इस पुलिस माने इन कार्यों में आप नहीं। तो एक मिनट भी अगर तुमने कमाया तो जिंदगी में वो एक मिनट दोबारा आने वाला नहीं, चाहे तुम कितना पैसा दे दो। तो भक्त अपना समय कभी नष्ट नहीं। संसार की किसी भी वस्तु से न राग रखेगा न द्वेष रखेगा, क्योंकि राग और द्वेष जिससे भी करोगे वो अपने ईश्वर से अलग होगा, और ईश्वर से अलग होकर के कोई क्रिया अभिष्ट नहीं। बहुत बड़ा ध्यान सावधान होकर के रखना चाहिए, अभिमान ना, मैं कुछ हूं ये ना, अरे नम्रता का अभिमान ना। हमारे एक मम्मी भी थे, वो जूतों के जहाँ लोग जूता उतारते तो वहीं बैठते थे, लोग आ जाओ भाई जी के खाली पड़ जाते, मैं तो जूतों के पास ही रहता, मेरे एकदम इसी ना। अब वो भी अभिमान है दिखाने के, मैं तो जूतों के पास बैठा रही थी खाली, हाँ बैठ जाओ, सत्संग इम्पोर्टेंट है, मैं निरभिमानी हूं ये दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं। और आशा बंधा समुत्कंठा बहुत जरूरी, भगवान मिलेंगे निश्चित रूप से, भगवान हमारे आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, बिना मिले रह नहीं सकते हैं। भगवान के मिलने का विश्वास आशा कभी टूटे नहीं, जन्म को रगर हमारी वरुण संगत रहो हमारी, तो ये आशा बंध बहुत दृढ़तर होना चाहिए और निरंतर नाम गाने रुचि, निरंतर भगवान का नामस्मरण में रुचि होनी चाहिए। भगवान से इतर के प्रति आसक्ति नहीं है, सदैव उनके गुणगान में ही आनंद आवे। भगवान जहाँ हैं
माने किसी के हृदय में है, किसी की वाणी में है, किसी स्थल में है, उसके साथ अपने मन में आप स्वाभाविक प्रीति हो। इन भगवत भक्त है, इनके हृदय में भगवान है। अरे अपने से भी प्यार करो यार, अपने से भी, क्योंकि मेरे अंदर भगवान रहता है तो भगवान का ये घर है, तो अपने घर से एक भगवान के कारण प्रेम करो, अपनी ड्यूटी के लिए नहीं करो, ये अपने पद इत्यादि के लिए नहीं करो। ये सब के सब गुण आने लग जाए, आने लग जाए माने बाहर से लाना नहीं है, उत्पन्न होने लग जाए, तो समझ लेना आपकी भगवत भक्ति की ओर गति हो रही है। सावधानी से इनका अवलोकन करें, जाना पहले जान गए हो तो इच्छा करो और फिर यत्न करो, तो कृपा से सब सफलता मिलेगी। यश